कोसर्वेशन। दोस्तों जब भी हम एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोफिलिक कोलोइड को लेके, ठीक है, उसको हम मिलाते हैं हाइड्रोफिलिक नेगेटिवली चार्ज कोलोइड में, ठीक है, एक नेगेटिवली चार्ज कोलोइड और एक पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड, ठीक है, दोनों ही हाइड्रोफिलिक हैं, ठीक है। जब हम इन्हें मिलाते हैं आपस में तो होता क्या है, होता हमारे साथ ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल आपस में एक साथ मिलके एक लेयर, सेपरेट लेयर फॉर्म कर लेते हैं बॉटम पे, ठीक है, एक सेपरेट लेयर फॉर्म कर लेते हैं बॉटम पे, ठीक है, इस तरीके से। और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इसी लेयर को हम बोलते हैं कोसर्वेट, ठीक है, इसी लेयर को हम बोलते हैं कोसर्वेट, ठीक है। ऊपर सुपर नेट, ऊपर हमारा जो लिक्विड रह जाएगा वो बिना कोलोइडल पार्टिकल के रह जाएगा, ठीक है। तो कोसर्वेट क्या होता है हमारा, देखो जब भी हम नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोफिलिक कोलोइड को हम मिक्स करते हैं, ठीक है, पार्टिकल सेपरेट एंड फॉर्म अ लेयर रिच इन कोलोइडल एग्रीगेट, ठीक है, कोलोइडल एग्रीगेट से रिच लेयर बना लेती है बॉटम पे, ठीक है, दिस लेयर इज नोन एज कोसर्वेट, ठीक है, इसी लेयर को हम कहते हैं कोसर्वेट, ठीक है। और इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं हम, इसी फिनोमिना को हम कहते हैं कोसर्वेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रख सकते हो जेलेटिन और असेशिया का, ठीक है, जो जेलेटिन होता है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, बिल्कुल इसकी तरह, जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, ये जेलेटिन है सपोज, और ये हमारे तरफ एक तरफ है हमारे पास असेशिया, ठीक है, असेशिया हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। जब हम जेलेटिन और असेशिया का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, जेलेटिन का कोलोइडल सॉल्यूशन और असेशिया का कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है, और जब हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, कोसर्वेशन का, ठीक है, कि इस तरीके से बॉटम पे ये एक तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं पार्टिकल्स, ठीक, और इसी प्रोसेस को कोसर्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि कोसर्वेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है या ज़रूरी क्यों नहीं है, ठीक है, तो देखो इसकी वजह से जो विस्कोसिटी होती है अपर लेयर की वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि सारे पार्टिकल्स मिलके बॉटम पे आ गए, बॉटम पे इकट्ठे हो गए, तो ऊपर जो लिक्विड होता है वो बिल्कुल ही हल्का लिक्विड होता है जिसमें बिल्कुल भी विस्कोसिटी नहीं होती, ठीक है, बहुत ही कम विस्कोसिटी होती है, लेस विस्कोसिटी, ठीक है। दूसरा, इनफार्मेसी, ये एक हमारी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है, ठीक है, ये हमारी प्रोडक्ट्स को ख़राब कर सकती है, ठीक है, तो हमें कोसर्वेशन का खास ख्याल रखना पड़ता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में।